हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि वन प्लस मोबाइल का रैम कितना है, कैसे पता करें या कैसे चेक करें सबसे आसान तरीके से। तो गाइस, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस, सबसे पहले आपको मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है। मोबाइल के सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको देखिए आ जाना है सबसे नीचे, और जैसे आप सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, देखिए अबाउट फ़ोन। तो दोस्तों, ये सभी मोबाइल में होता है, आप अपने फ़ोन में चेक करना, आपके फ़ोन में अबाउट फ़ोन नीचे या थोड़ा ऊपर मिल जाएगा। आपको इस अबाउट फ़ोन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अबाउट फ़ोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए आपके मोबाइल के बारे में पूरा लिखा हुआ रहता है, कितना इंटरनल है, कितना रैम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रैम हमारा शो कर रहा है, रैम के नीचे लिखा हुआ है 8 GB। यहीं पर आपको इस प्रकार मिल जाएगा, रैम लिखा रहेगा और बगल में या फिर नीचे ऊपर कहीं ना कहीं लिखा रहेगा, रैम के बगल में ही लिखा रहेगा कितना GB है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 GB रैम है, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। या फिर गाइस, बैक आते हैं, हम फिर से सेटिंग में चलते हैं और अगर सर्च बार में क्लिक करके लिखेंगे अबाउट फ़ोन तो भी यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ जाएगा अबाउट फ़ोन का। इस पर क्लिक करके आप यहाँ से डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर रैम दिखा देगा। काफ़ी आसान है गाइस। और गाइस, अगर आप देखना चाहते हैं कि रैम कितना खाली है, कितना भरा हुआ है, तो फिर आप चेक कर सकते हैं। सिंपली आपको देखिए इसी अबाउट फ़ोन में जाना है, फिर आपको यहाँ पर देखिए वर्जन पे क्लिक करना है, बेस्ट देखिए यहाँ पर बेस बैंड एंड कर्नल का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर बिल्ड नंबर मिल जाएगा, बिल्ड नंबर पर आपको 7 से 8 बार लगातार टाइप करना है, क्लिक करना है। देखिए मैं क्लिक करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर आ चुका है। और गाइस, जैसे पासवर्ड अपना डाल देंगे डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। अब आपको बैक आना है, सेटिंग में जाना है। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडिशनल सेटिंग या डेवलपर ऑप्शन, तो यहाँ पर अगर डेवलपर ऑप्शन रहेगा तो उस पर क्लिक करना है, अगर एडिशनल सेटिंग रहेगा तो एडिशनल सेटिंग पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको डेवलपर ऑप्शन मिल जाएगा, डेवलपर ऑप्शन पर क्लिक करना है, देखिए यहाँ पर है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर मेमोरी लिखा हुआ रहेगा और इसके नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं एवरेज मेमोरी यूजेज 5.41 GB आउट ऑफ 8 GB। यहाँ पर आप रैम चेक कर सकते हैं कितना खाली है और कितना भरा हुआ है। काफ़ी आसान तरीका है। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।